व्हाट्सअप गाइस एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन एंड्रॉइड बार। सो आज के इस वीडियो में अगर मैं आप यूजर के साथ शेयर करने वाला हूँ रहने को जी न्यू अपडेट आ चुके हैं, सो वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। उसके साथ यहाँ पर मैं आपको डेट बताऊँगा जिस डेट पर जो है ओप्पो अपनी ऑफिशियल अपडेट को आपको देगा, और साथ में यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ किस तरह आप मैनुअली उसको अपडेट कर सकते हैं, तरीका आपको बताऊँगा। और आज की इस वीडियो को जरूर से लास्ट तक देखिए, आई होप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली। अगर आप रेनो यूज़र हैं या फिर आप कोई और यूज़र है तो आपको मैं उसके अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आपको रिसीव होने वाली है तकरीबन 1 से 2 मंथ के अंदर। कलर ओएस 7 का अपडेट, तो कलर ओएस 7 का अपडेट काफ़ी ज़्यादा यूज़र ने मुझसे पूछा था, सो उसको जो है आपने कैसे डाउनलोड करना है वो मैं आपको साइट बताने वाला हूँ। तो उसका मैंने लिंक आपको नीचे प्रोवाइड कर दिया साइट का, जो ओप्पो की ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहाँ पर जाने के बाद आपने एक सेटिंग कर लेनी है। तो सेटिंग ये है कि सबसे पहले यहाँ पर आप जो अपना जो ग्लोबल पर होगा उसको अपने चेंज करके अपने कर लेना है अपने रीजन की तरफ, यानी अगर आप इंडिया से हैं या फिर पाकिस्तान से, बांग्लादेश या मलेशिया से, कहीं से भी हैं, तो आपने नीचे जाकर यहाँ से ग्लोबल के ऊपर टाइप करके उसका अपना जो है रीजन जो है उसको चेंज कर लेना। नीचे यहाँ पर आपको ग्लोबल वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो इस पर आपने टाइप करके इसके बाद आपने अपना ग्लोबल जो है उसको चेंज कर देना है, अपने एशिया पर कर देना है। तो ये एशिया पर होगा, बाई डिफ़ॉल्ट आपने अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है क्योंकि वही कंट्री आपको सूटेबल होगी। उसके बाद जो जो लैंग्वेजेस होंगी वही आपको प्रेफर किए जाएंगी जो कि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपको जो है इंडिया का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, पाकिस्तान, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, तो यहाँ पर आपको तमाम ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो इनमें से यहाँ पर आप कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपको जो है अपना रीजन सेलेक्ट कर लेना है, यानी जो भी आपका रीजन है, जो भी आप कंट्री जो है उसको प्रेफर करते हैं, वहाँ से अपडेट आप डाउनलोड करवाना चाहते हैं तो वहाँ से करवा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर अपडेट वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर अपने टाइप कर लेना है, जिसके बाद आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ोन के मॉडल देखने को मिलेंगे जो कि आपके फ़ोन जो आपके आपकी कंट्री में लॉन्च हुए हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं करंट लोकेशन बता रहा हूँ, उसके बाद जो यहाँ पर मैं रीडायरेक्ट हुआ हूँ इंडिया की तरफ तो वो मुझे यहाँ पर बता रहा है। तो यहाँ पर आप कोई भी ऑप्शन जो है कोई भी आपको यहाँ पर मोबाइल सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि आपकी सीरीज़ है। यहाँ पर आपको एफ़ सीरीज़, आर सीरीज़, ए सीरीज़, तमाम सीरीज़ के फ़ोन देखने को मिल गए हैं यहाँ पर, उनकी अपडेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हम जो है रेनो के ऊपर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर रेनो की कोई भी सीरीज़ आप यहाँ पर यहाँ से जो आपने बाय की है उसकी यहाँ से आप जो अपडेट को मैनुअली जो है डाउनलोड कर सकते हैं और अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने का प्रोसीजर ये है कि आपको अपनी जो फाइल है उसको आपको मूव करना होगा अपने एसडी कार्ड में, या फिर अपने एक्सटर्नल डिवाइस कोई भी हो सकती है, आपकी हार्ड ड्राइव हो सकती है या फिर आपकी कोई भी पीसी हो सकता है, वहाँ से भी आप अपने फ़ोन को अपडेट कर सकते हैं। सो अगर आपको नहीं पता तो हाउ टू अपडेट वाले ऑप्शन में आपने टाइप कर लेना है, जिसके बाद आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताएगा स्टेप बाय स्टेप, जिसको आप आसानी से फॉलो करके अपने फ़ोन को अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने एसडी कार्ड के ज़रिए करना है तो वो भी यहाँ पर आपको नीचे अगर आप स्वाइप अप करेंगे तो यहाँ पर आपको वो भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है मैं आपको डेट जो बताने वाला हूँ जो कि आने वाले फ़ोन में अपडेट आने वाली है कलर 7 की, सो यहाँ पर आप स्वाइप अप करेंगे तो यहाँ पर आपको एसडी कार्ड वाला भी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से भी आप जो है अपने फ़ोन को एसडी कार्ड के ज़रिए से भी अपडेट कर सकते हैं। ये भी बहुत ही आसान सा प्रोसीजर है, अगर आप पहली दफ़ा कर रहे हैं तो आपको कुछ प्रॉब्लम भी फेस आ सकती है आई थिंक। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप बताया है। कई यूज़र को प्रॉब्लम फेस आती है तो मैं उनको रेकमेंड करूँगा आप किसी ओप्पो सेंटर से जाकर वहाँ से अपडेट करवा सकते हैं बिल्कुल फ्रीली, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कर देंगे अगर आपका फ़ोन वारंटी में है, तो रेनो भी आई वारंटी में ही होंगे तो वहाँ से जाकर 7 के अपडेट को इंस्टॉल करवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सो उसके बाद यहाँ पर आप स्वाइप अप करते जाएंगे तो यहाँ पर आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताएगा जो कि आप अपने फ़ोन को मैनुअली अपडेट कर सकते हैं, अपने फ़ोन को अपने जो है फाइल को एसडी कार्ड में मूव करना है, उसके बाद अपने फाइल को किस तरह अपने फ़ोन को जो है पावर ऑफ करना है, उसके बाद उसकी वॉल्यूम बटन को किस तरह प्रेस करने के बाद अपने अपडेट को इंस्टॉल करना है, तो ये कंप्लीट प्रोसीजर बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट देखने को मिलती है जो कि बहुत ही ज़्यादा जल्दी आने वाली है अपडेट कलर 7 में, जैसे कि रेनो 2 में यहाँ पर आपको अपडेट देखने को मिलेगी इस मार्च में, और मार्च 27 में आपको यहाँ पर जो रेनो 2F जो है उसमें अपडेट देखने को मिलेगी, साथ में यहाँ पर आपको जो है RX 17 Pro है उसमें देखने को मिलेगी, साथ में अगर नेक्स्ट मंथ की बात कर लीजिए तो इसमें अप्रैल में आपको यहाँ पर K1 F9 और F9 Pro में देखने को मिलेगी, साथ में यहाँ पर आपको मई में यहाँ पर F7 वाली सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा है और A सीरीज़ में A5 और A9 है। साथ में अगर बात कर लीजिए जून में जो अपडेट आएगी वो यहाँ पर आपको R सीरीज़ में देखने को मिलेगी और साथ में F15 जो अभी न्यूली लॉन्च हुआ है उसमें आएगी। सो ये रही तमाम अपडेट और ये पर्सनली मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, सो आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें हेल्प देखने को मिलेगी मिली होगी। तो आई होप आपको वीडियो भी अच्छा लगा, अगर आपको अच्छा
लगे जरूर से वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको इस तरह के इंटरेस्टिंग वाले वीडियो में अगली दफ़ा, तब तक लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय।